Let's call it in the crossfire. Hey, what is up guys, welcome back to the channel India Sonic. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं Hyundai Creta की ऑफरोड कैपेबिलिटीज। क्रेटा को रिसेंटली 2020 में ही फेसलिफ्ट अपडेट मिला था और गाड़ी में काफ़ी चेंजेस भी देखने मिले थे। सबसे बड़ा चेंज डिज़ाइन में था जो कि काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया। पर्सनली मुझे भी इससे पहले वाला लुक ज़्यादा पसंद था जिसकी डिज़ाइन काफ़ी बोल्ड थी। इंटीरियर्स को भी बढ़िया अपग्रेड मिला है और पहले से बहुत इम्प्रूव किया गया है। गाड़ी में बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है जो कि इंडियन कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ऑफ रोडिंग की बात करें तो Hyundai इसे दी अल्टीमेट SUV तो ज़रूर कहती है, पर इसमें सिर्फ टू व्हील ड्राइव का ऑप्शन ही मिलता है। इसकी वजह से ऑफ रोडिंग में थोड़ी मार खा जाती है। फॉरेन में जो क्रेटा अवेलेबल है iX25 के नाम से, उसमें फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। उसकी क्लिप्स मैं आपको आगे दिखाऊंगा और हम टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव कंपेयर भी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली क्लिप में हम देखेंगे 2020 क्रेटा को एक काफ़ी ज़्यादा ख़राब रोड पर चलते हुए जहाँ पानी भी भरा हुआ है। ऐसी सिचुएशंस के लिए कॉम्पैक्ट SUVs हैचबैक या सेडान के कंपैरिजन में परफेक्ट होती है। यहाँ पर क्रेटा को एक ऊबड़ खाबड़ नदी को क्रॉस करते हुए देखेंगे। आप देख सकते हैं गाड़ी कितना उछल रही है पर फिर भी बिना रुके पार कर जाती है। अब इस क्लिप में हम गाड़ी को गड्ढों और स्लश वाले रास्ते पर चलते हुए देखेंगे। कीचड़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा फिसलन है और आप देख सकते हैं गाड़ी को ट्रैक्शन भी नहीं मिल पा रहा और उसके व्हील स्पिन हुए जा रहे हैं, पर फिर भी जैसे तैसे आ जाती है गाड़ी इस पर। इस क्लिप में हम 2020 क्रेटा को एक फ्लडेड रास्ते को पार करते हुए देखेंगे जहां पानी बहुत ही ज्यादा गहरा है। यहां पर हम क्रेटा को एक ऑब्स्टेकल पार करते हुए देखेंगे जहां पर गाड़ी का पिछला टायर हवा में भी चला जाता है पर फिर भी बिना रोके पार कर लेती है। क्रेटा में 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब ये क्लास लीडिंग तो नहीं पर छोटी गाड़ियों से ज़्यादा है और इंडियन कंडीशंस के लिए भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर गाड़ी को एक कीचड़ वाला इंक्लाइन चढ़ते हुए देखेंगे। अब हम एक ड्रैग रेस देखेंगे 1.4 लीटर क्रेटा और 1.5 लीटर फोर्ड एकोस्पोर्ट की। एकोस्पोर्ट लाइटवेट और ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से स्टार्ट में लीड ले लेती है, पर बाद में क्रेटा उसे ओवरटेक करके ड्रैग रेस जीत जाती है। इस क्लिप में हम 2020 क्रेटा को एक स्टीप इंक्लाइन चढ़ते हुए देखेंगे जहां पर पानी भी बह रहा है। पानी की वजह से सरफेस थोड़ी स्लिपरी भी हो जाती है पर गाड़ी आसानी से चढ़ जाती है। यहां पर न्यू क्रेटा को एक नदी क्रॉस करते हुए देखेंगे। पानी ज्यादा गहरा तो नहीं पर आप देख सकते हैं गाड़ी को बिना किसी टेंशन के कहीं भी चलाया जा रहा है। इंडिया के खराब रोड्स के लिए ये काफी अच्छी गाड़ी है। इस क्लिप में हम क्रेटा को कीचड़ वाला इंक्लाइन चढ़ते हुए देखेंगे। आप देख सकते हैं गड्ढों की वजह से गाड़ी कितना उछल रही है पर बिना किसी दिक्कत के ऊपर चली आती है। सैंड पर भी क्रेटा बड़ी आसानी से चल सकती है। यहां पर हम गाड़ी को एक बड़े से कीचड़ वाले गड्ढे को पार करते हुए देखेंगे। ट्रैक्शन ना मिल पाने की वजह से व्हील स्पिन हो रहा है पर फिर भी गाड़ी निकल जाती है। अब सेम गाड़ी की वाटर क्रॉसिंग भी देखेंगे। सिर्फ टू व्हील ड्राइव होने की वजह से थोड़ी दिक्कत होती है आगे बढ़ने में, पर आखिर में गाड़ी बाहर निकल ही जाती है। अब गाड़ी को एक स्टीप इंक्लाइन भी चढ़ते हुए देखेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा व्हील स्पिन हो रहा है क्योंकि सारा पावर सिर्फ फ्रंट व्हील में जा रहा है, पर फिर भी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है थोड़ी बहुत दिक्कत के बाद। इस क्लिप में हम क्रेटा को रिवर्स में ड्रिफ्ट करते हुए देखेंगे। ब्लैक कलर में पुरानी क्रेटा बहुत ही अच्छी दिखती थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्सुबिशी पजेरो को स्नो में टर्न लेते हुए कितनी दिक्कत हो रही है। अब सेम ऑब्स्टिकल हम फोर व्हील ड्राइव क्रेटा को भी करते हुए देखेंगे। बड़ी आसानी से गाड़ी निकल जाती है।
अब क्रेटा को हम सेम पजेरो को रेस्क्यू भी करते हुए देखेंगे जो कि फंस चुकी है स्नो में। स्नो काफी गहरी और स्लिपरी है, पर फिर भी आप देख सकते हैं कितनी आसानी से फोर व्हील ड्राइव क्रेटा पुल कर लेती है इतनी बड़ी एसयूवी को। इस क्लिप में हम गाड़ी को एक बहुत ही स्टीप और स्लिपरी कीचड़ वाला इंक्लाइन चढ़ते हुए देखेंगे। अब हम फोर व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव में डिफरेंस देखेंगे। पहले हम ब्लैक कलर फोर व्हील ड्राइव क्रेटा को स्नो में इंक्लाइन चढ़ते हुए देखेंगे। आप देख सकते हैं स्नो कितनी गहरी है, पर फिर भी गाड़ी आसानी से ऊपर चढ़ जाती है। अब टू व्हील ड्राइव क्रेटा गहरी स्नो में तो आसानी से चल जाती है, पर गाड़ी इंक्लाइन नहीं चढ़ पाती टायर में स्नो चेन लगे होने के बावजूद। यहां पर फोर व्हील ड्राइव क्रेटा टू व्हील ड्राइव क्रेटा को रेस्क्यू कर रही है। फोर व्हील ड्राइव ना होने के बावजूद भी क्रेटा टॉप सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी है और कंसिस्टेंटली टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स के लिस्ट में आती रहती है। अपने से कई गुना सस्ती कॉम्पैक्ट एसयूवीज को भी सेल्स के नंबर्स में पीछे छोड़ देती है। अगर क्रेटा को सच में दी अल्टीमेट एसयूवी बनना है तो ह्यूंडई को फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन इंडिया में भी लाना होगा। तो चलिए दोस्तों, लास्ट में मैंने क्रेटा और ब्रेजा की ड्रैग रेस भी दिखाई है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए